दुनिया ब्लॉक के कैथवलिया में मौजूद हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ भव्य राम रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है लगभग 120 एकड़ में। और आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 2025 तक इसको बनाकर तैयार कर देना है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ये लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं ये लोग। बहुत सौभाग्यशाली है जमीन और यहाँ के कैथवलिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी, और सौभाग्य की बात है कि यहाँ विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य चालू हुआ है। और कहा जा रहा है, मैंने बात की कि यह जगह आप क्यों चुना, तो उनका कहना है कि जब राम का जब विवाह संपन्न हुआ तो जब लौटा बड़ा तो इसी रास्ते से लौटा और यहाँ पे एक रात रुका था। जो बता रहे हैं वो सही है, जो बोल रहे हैं सर कुणाल सर जो बोल रहे हैं कि राम जी यहाँ रुके हुए थे, जानकी जी रुकी हुई थी, सब सही है। क्योंकि हम लोगों में बहुत उत्साह और खुशी है, हम लोगों के गांव मोहल्ला सब कोई आस लगाए हुए बैठा हुआ है कि इतना जल्द कितना जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाए ताकि हम लोग भी हम लोगों का जगह भी एरिया भी डेवलप हो जाए, यहाँ भी दूर दूर के लोग आए देखे रहें, उससे हम लोग भी कुछ सीखेंगे, बाहरी लोग से भी सीखेंगे और यहाँ का जगह जो है डेवलप हो जाएगा, इससे यह उम्मीद हम लोग लगाए बैठे। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? यहीं से सर। कितना खुश है इस मंदिर को लेकर के? बहुत खुश है, कहीं ना कहीं तब रोजगार बढ़ेगा ना, अगल बगल दुकान दौड़ी दुकानें लगेंगी, काफी लोग अपना अपना व्यवसाय करेगा। बहुत दूर से आदमी आएगा यहाँ पे सर, बहुत बहुत खुश है। बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है, मंदिर बन जा रहा है तो हम लोग को भी बहुत अच्छा है, कोई बिजनेस करके बैठेंगे और क्या। कोई बिजनेस करके बैठेंगे भाई, बात तो सही है, क्योंकि इतना बड़ा जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो रोजगार का साधन तो बनेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि किस तरह से भव्य रामायण मंदिर का यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और किस तरह से काम जारी हो गया है, शुरू हो गया है। 2025 तक हमारा फाइनल करके इस मंदिर को दे देंगे। पूर्वी चंपारण का सौभाग्य की बात है कि इस तरह का मंदिर पूर्वी चंपारण में बना और इतना भव्य मंदिर लगभग 120 एकड़ जमीन कम नहीं होता है और दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे अभी अभी लोग यहाँ पे आए हैं, इन लोग से हम बात करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना। भैया आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम हुआ राजन कुमार गुप्ता, केसरिया मार्केट से ही हैं। और यह मंदिर बनने से हम लोग को बहुत ज़्यादा विकास होगा अगल बगल केसरिया कल्याणपुर और पूरे जिला का। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि भगवान श्री राम इसी रास्ता से गुजरते हुए सीताकुंड निकले हुए थे, गए हुए थे। और यहाँ पे जब मंदिर बन रहा है, पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट से ही शायद बन रहा है, आचार्य कुणाल किशोर जी बहुत बहुत पूरे बिहार में जगह चूज करने के बाद हमारा हम लोग का इस धरती को चूज किए, हम लोग आचार्य कुणाल किशोर जी को नमन करते हैं कि भगवान राम का साक्षात दरबार यहाँ लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केसरिया में दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मेरे केसरिया में ही, और दुनिया का सबसे बड़ा रामायण विराट मंदिर यहीं पे है, केसरिया और कल्याणपुर। आज ही कल्याणपुर बट गया, पहले हम लोग केसरिया विधानसभा में ही हुआ करता था। चंपारण तो है ना भाई? चंपारण ही है, तो हम लोग को गर्व की बात है कि हमारे चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और सबसे बड़ा रामायण विराट मंदिर बन रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित है और बहुत खुश। चंपारण जब न तब इतिहास रचने का काम करता है, बौद्ध स्तूप को देखिए कि इतिहास है, महात्मा गांधी यहीं से शुरू किए थे। सबसे बड़ी बात है और बड़ी मंदिर का निर्माण यहीं से, सबसे बड़ी बात है कि और खुदेव के देव महादेव बाबा केसरनाथ भी हमारे केसरिया में ही विराजमान है, बगल में सोमेश्वरनाथ विराजमान है, इसलिए हम लोग का एक आध्यात्मिक चंपारण कहिए इसको। और जब यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ एयरपोर्ट, यहाँ का विकास, विदेश से जब लोग आने लगेंगे तो यहाँ का चौमुखी विकास होगा। हम लोग भी बहुत उत्साहित है कि बहुत जल्दी बने और लग रहा है कि कब 2025 नज़दीक आ जाए कि मंदिर को हम लोगों को देखने को। एकदम एकदम एकदम। और महावीर मंदिर ट्रस्ट जब पटना में हम लोग गए थे, बोर्ड लगा हुआ था वहाँ, जब केसरिया कैथवलिया लिखा गया तो बहुत सीना से गर्व शुरू हुआ। कुछ लोग शुरू में बोला कि नहीं मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा, ऐसा भ्रांति फैलाया लोग। हालांकि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि कल मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हो गया था इसके पहले, और आज से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं कितना लोग खुश हैं और खुशी का मतलब कि लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं शब्दों में कि हम कितना खुश हैं। और मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि कम से कम आप कमेंट कीजिए और जय श्री राम हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए, शेयर करते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।